एंड आई थिंक शी इज बिन लाइक द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल आई हैव एवर कम अक्रॉस. एंड एक रेस्टोरेंट में वो अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही थी एंड मैं अपने पेरेंट्स के साथ था. तो पहली बार मतलब मैं इतना शायद था क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में किसी को अप्रोच नहीं किया था. तो मैंने एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू स्पीक टू आई डेंट हैव द गट्स. तो मैंने क्या किया ना कि जब वो फ़ोन कॉल उठाने गई तो एक हाय गाइज माई नेम इज़ करणवीर शर्मा एंड आई एम डूइंग अ क्विक 24 विद द टेली रिपोर्टर वेयरिंग bridal clothes. That's fun. Do you believe in superstitions? Yeah, I'm quite superstitious. Like I have this numerological thing going on. तो मेरे लिए number game बहुत मेरा strong रहता है. तो आई प्रिफर यू नो न्यूमरोलॉजी इन जनरल. लव एट फर्स्ट साइट. माय फर्स्ट सो टू से लव वाज वाह यू नो देयर वाज दिस गर्ल एंड आई थिंक शी इज बिन लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई हैव एवर कम अक्रॉस. एंड एक रेस्टोरेंट में वो अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही थी एंड मैं अपने पेरेंट्स के साथ था. तो और पहली बार मतलब मैं इतना शायद था क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में किसी को अप्रोच नहीं किया था. तो मैंने एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू स्पीक टू आई डेंट हैव द गट्स. तो मैंने क्या किया ना कि जब वो फ़ोन कॉल उठाने गई तो एक पेपर के ऊपर हैप्पी बर्थडे लिख दिया क्योंकि उस दिन उसका हैप्पी उसका बर्थडे था एंड हैप्पी मेरे लिए था. सो आई जस्ट फेल दैट वेरी धर्मा फील टू इट यू नो. जैसे यशराज धर्मा की फिल्म में नहीं होता या राष्ट्रीय की फिल्म में होता है कि वो लाइट सडनली उस पर ही स्पॉटलाइट आ जाती है. तो वैसी फीलिंग थी. तो फिर मैंने हैप्पी बर्थडे लिखा कि सॉरी आई डोंट हैव अ केक और फ्लावर्स बट विशिंग यू हैप्पी बर्थडे. एंड इतना डरा हुआ था अपना नंबर लिखने के लिए कि मैंने एकदम अंदर जाके अनफोल्ड करके टिश्यू पेपर पर लिखा. सो दैट वॉज माई लव एट फर्स्ट साइट. Do you believe in destiny? Yeah, I think we all should. तो लोड कम हो जाएगा कि इतना हम लोग जो भाग दौड़ कर रहे हैं eventually वही होता है जो होना होता है. Dating a fan? No, yeah. I mean, I'm not against it. I mean, I've never thought of it like that. But because the kind of love I have for fans is very different. You know, it's very eternal, कह सकते हैं. वो मैंने ऐसा सोचा नहीं है. आर यू अ माउंटेन पर्सन और अ बीच पर्सन? आई वाज अ माउंटेन पर्सन बट सडनली आई हैव बिकम अ बीच पर्सन. सो आई कीप ऑन डिपेंड्स ऑन माय मूड. मैं स्वॉप करते रहता हूँ या जो जगह अवेलेबल होती है टाइम अवेलेबल होता है तो डिपेंड करना पड़ता है उस पे. रोमांस और एक्शन? बोथ. एंग्री बर्ड और अ काम पर्सन? इन रियल लाइफ काम पर्सन. ऑन स्क्रीन एंग्री मैन. बॉलीवुड और हॉलीवुड? बोथ. Night owl or early bird? Night owl. Sweet or spicy? Spicy. Tea or coffee? Both. I love both. Party animal or home lover? Home lover. Romantic or spontaneous? Spontaneously romantic. Shorter or taller? Doesn't matter. Size 0 or chubby? Doesn't matter. Sensitive or loud? I think a bit of both. Twitter or Instagram? I fancy Twitter. I mean, I'm more active on Twitter, but I love both. First book you read? First, I think it was one of the, I think, Eric Blyton का कोई किताब होगा मुझे लगता है, ऐसा कुछ होगा. My first किताब actual ABCD होता है सब लोगों के लिए. तो तो ए बी सी डी सीखा था मैंने. पहली किताब मेरी वो थी ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सी फॉर कट. लास्ट पर्सन यू टेक्स्टेड? लास्ट पर्सन आई टेक्स्टेड आई थिंक आई टेक्स्टेड माय मैनेजर. दैट वाज द लास्ट पर्सन आई टेक्स्टेड. लास्ट पर्सन यू कॉल्ड? लास्ट पर्सन आई कॉल्ड आई थिंक आई कॉल्ड यू गाइस ओनली. क्रेजीएस्ट फैन स्टोरी? Craziest fan story. I wouldn't call it crazy, but I out of the box definitely. See, I've already mentioned quite a lot of times that there was a fan who tattooed my name on a arm. So, wo definitely crazy tha. And there was a very sweet fan who came all the way from I think Indonesia to meet me.
to just bought a ticket, came here to visit me, and that's it, nothing. So that was very sweet as well. So song that is stuck in your head? Song in my head? You know, I have started, when I was shooting in Hyderabad, I came across this guy, I mean, this very brilliant artist, a Punjabi artist, Sidhu Moosawala. So I think unka ek gana mujhe bahut pasand aaya tha. I think These Days karke ek gana hai. To maine uske upar ek story bhi dali hai. So I think These Days is the Sidhu Moosawala song. I think he's very cool hai. In the kind of rap and rendition, his music videos and everything is very good. Things which annoy you the most? Fakeness. Like I don't understand ke yaar aaj kiske paas time hai fake hone ka yaar. Matlab kiske liye? Aapko lagta hai dusra befoof hai kya? Matlab we are all intelligent people. We can figure it out. तो फेकनेस मुझे सबसे इरिटेट करती है। First thing you notice about opposite sex? I think the eyes. Women have very pretty eyes, so I think I notice their eyes first. And thank you for watching and removing time from your lives कि आप हमारा काम देखते हैं and appreciate करते हैं और हमें बताते भी हैं। तो and I wish you great health to you and your family and your friends. So keep strong, keep happy. Life is beautiful. See you soon. Thank you.